अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली के खाने। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी जो मैंने बनाया है मटन के साथ, जो बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आइए देखिए इसे मैंने कैसे बनाया है। देज की लेंगे, इसमें सबसे पहले डाल देंगे मटन। मटन लिया है मैंने आधा किलो बकरी का गोश्त, क्योंकि ये फ्रीज है तो इसमें हम सब कुछ डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी मसाले, सिर्फ मिर्च एक चाय का चम्मच पिसी हुई, नमक एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच और हल्दी आधा चाय का चम्मच, प्याज जाएगा इसमें 3 अदद, दरमियाने साइज के ले लें, उसे ब्रीक काट लें। टमाटर 2 अदद है और अदरक लहसुन कुटा हुआ है, ये है 1 बड़ा खाने का चम्मच, इसके अंदर है 3 अदद हरी मिर्चें। मसाले अदरक लहसुन प्याज डालने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी डाल दूंगी मैं 2 गिलास और इसको हमें हल्की आंच पर पकाना है 40 से 45 मिनट के लिए। इसको कवर कर देंगे। उनतालीस मिनट हो चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे घी। घी आपने लेना है 1/2 कप। अब हमने इसको भून लेना है, मसाले को और गोश्त को। मसाला मिक्स हो चुका है तो इसमें डाल दूंगी आलू। आलू मैंने लिए थे 3 अदद, इसको आप क्यूब्स में काट लें। आलू थोड़े भरे रखिएगा, आलू गोश्त जब बनाए तो उसमें आलू भरे हों तो अच्छा लगता है साथ में देखने में। तो हम आलू को भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आलू को भून लिया है तो इसमें डाल दूंगी 1 गिलास पानी। 1/2 गिलास पानी टमाटर को गलाने के लिए काफ़ी है और 1/2 गिलास पानी शोरबे के लिए। तो अब इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पिसा हुआ ऊपर से और इसे कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, आलू गल चुके हैं। हमारा ये देखिए सालन तैयार है आलू गोश्त का, बहुत मज़ेदार सा। इसके ऊपर डाल दूंगी मैं सब्ज़ धनिया। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल के लिए खाने को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।